गुड मॉर्निंग क्लास दिस इज अ साइंस क्लास एंड टुडे वी विल रिवाइज लेसन फाइव एंड लेसन सिक्स टुडे ओनली वी विल रिवाइज एंड आफ्टर टुमारो टुमारो मतलब कल हम लेसन फाइव और सिक्स का सिक्स चैप्टर का टेस्ट लेंगे एक क्लास टेस्ट ओके सो लेट इज स्टार्ट विथ लेसन फाइव animal world take the correct answer i live in a forest who live in a forest forest mein kaun rehta hai hen lion cow so kya kaun rehta hai lion okay so i am a domestic animal so, इन तीनों में से domestic animals कौन है जो हमारे लिए बहुत useful होते हैं जो हमें कुछ ना कुछ देते हैं जेब्रा काउ, हिपोपोटमस इन तीनों में से कौन सा होगा काउ ओके नेक्स्ट है आई हैव सिक्स लेग्स सो इन तीनों एनिमल्स में किसके सिक्स लेग्स हैं फैलो हैव अ फोर लेग ऑक्टोपस हैव अ एट लेग्स, एंड हाउस फ्लाई अ सिक्स लेग्स. तो विच हाउस फ्लाई के पास सिक्स लेग्स हैं ओके सो नेक्स्ट है okay. so, फिल इन दी ब्लैंक्स सो फर्स्ट वन इज़ डॉग इज़ अ डैश एनिमल सो डॉग कौन सा एनिमल है वो यहाँ पर लिखना है तो कौन सा एनिमल है डॉग पेट एनिमल्स काउ इज अ डैश एनिमल काउ कौन सा एनिमल है डोमेस्टिक एनिमल. सो यहाँ पे क्या लिखा है हमने डोमेस्टिक एनिमल हाउस फ्लाई इज एन डैश हाउस फ्लाई क्या है इंसेक्ट है ओके नाउ नेक्स्ट है टिक द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस द रोंग वंस ओके सो जो स्टेटमेंट सही होगा आपको उसके आगे टिक लगाना है जो जो गलत होगा उसके आगे क्रॉस सो लॉइन लिव्स विद अस इन आवर होम्स लॉइन हमारे साथ हमारे घर में रहते हैं नो तो कहाँ रहते हैं वो जंगल में सो मेक अ क्रॉस हेयर हिपोपोटमस लिव्स इन अ फॉरेस्ट हिपोपोटमस फॉरेस्ट में रहते हैं यस सो मेक अ टिक हेयर नंबर थ्री काओ एंड बुफेलो आर डोमेस्टिक एनिमल्स काओ एंड बुफेलो एक दो, दोनों डोमेस्टिक एनिमल्स हैं यस मेक अ टिक फिश एंड ऑक्टोपस लिव ऑन लैंड फिश और ऑक्टोपस लैंड पर रहते हैं नो no. किसे कहाँ पर रहते हैं वाटर में सुमे का क्रॉस एलिफेंट लिव्स इन वाटर एलिफेंट वाटर में रहते हैं नो no. कहाँ पर रहते हैं लैंड पे जमीन पर सुमे का क्रॉस डॉग एंड रैबिट आर पेट एनिमल्स सो डॉग और रैबिट पेट एनिमल्स हैं येस yes, सुमे का टेक ओके नाउ नेक्स्ट वन इज गिव वन वर्ड आंसर ऑफ लेसन फाइव एनिमल्स विच लिव इन अ फॉरेस्ट आ कॉल एनिमल्स जो फॉरेस्ट फॉरेस्ट मतलब जंगल में जो रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं वाइल्ड एनिमल्स वेरी स्मॉल एनिमल्स विथ सिक्स लेग्स जो बहुत छोटे एनिमल्स होते हैं जिनके सिक्स लेग्स होते हैं वो उन्हें क्या कहते हैं इंसेक्ट्स नेम वन एनिमल्स विच आर यूजफुल टू अस सो एक एनिमल का नाम बताना है जो हमारे लिए यूजफुल हो काऊ नेम वन एनिमल्स विच लिव ऑन ट्री एक एनिमल्स का नाम बताना है जो ट्री ट्री पर मोस्टली रहते हैं सो विच वन इज मंकी नेम वन बर्ड्स विच कैन स्विम एक बर्ड का नाम बताना है जो फ्लाई भी करते हैं एंड स्विम भी करते हैं सो विच वन इज डक ओके मैच दलम वाइल्ड एनिमल्स लॉय डोमेस्टिक एनिमल्स कौन से हैं काउ पेड एनिमल्स डॉग बर्ड क्या है स्पैरो इंसेक्ट कौन है एंड ओके सो इसमें आपको मैच करना है विद द राइट वर्ड्स विद द राइट ओके ना दिस वन इज़ फिल इन द मिसिंग लेटर सो आपको यहाँ पर कुछ लेटर्स मिसिंग होंगे सो so, ऐसे लेटर्स फिल करने हैं जिससे कि वो कोई एनिमल्स का नाम हो ओके सो फर्स्ट वन इज़ बी बियर, सेकेंड वन इज़ फिश थर्ड वन इज लॉयन फोर्थ वन इज़ गोट, फाइव वन इज़ rabbit. okay so next one is answer the following question. where do fish and octopus live? fish and octopus kahan pe rehte hain water mein so you have to write full answer. aapko pura answer likhna hai कहीं भी आपको अगर ये question मिलता है, तो आपको पूरा answer मिले. fish and octopus live in water. next question number two. name three wild animals. लॉय टाइगर एंड बियर ओके इसके अलावा अगर कोई वाइल्ड एनिमल्स हैं तो आप उसे भी लिख सकते हैं अगर ये नहीं याद आता नेम थ्री डोमेस्टिक एनिमल्स काउ फैलो एंड गोट ओके नेम थ्री बर्ड्स विच कैन नाट फ्लाई मतलब जो फ्लाई नहीं कर सकते दे हैविंग्स एंड फैदर्स बट दे क्या दे कैन नाट फ्लाई मतलब उनके पंख हो बट वो फ्लाई नहीं कर सकते सो ऐसे बर्ड्स ऑस्ट्रिच हैं पेंगविन हैं एंड ईमो नेम थ्री पैट एनिमल्स थ्री पैट एनिमल्स के नाम लिखने हैं डॉग रेबिट एंड कैट सो दिस दि इज एक्सरसाइज ऑफ लेसन फाइव नैक्स्ट वन इज लेसन सिक्स फ्लैश ईटिंग एनिमल्स जो uh, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं ऐसे कौन से एनिमल्स हैं काऊ हॉर्स टाइगर सो टाइगर हैं द एनिमल्स विच लिव्स इन अ वेब वेब मतलब जाल जो जाल बना के उसमें रहते हैं वो कौन से एनिमल्स होते हैं स्नैक स्पाइडर एंड पिजन स्पाइडर होते हैं ओके एंड इंसेक्ट ईटिंग एनिमल ऐसे एनिमल्स जो इंसेक्ट खाते हैं बुफैलो डॉग लिजर्ड सो so, कौन से खाते हैं लेजर्ड ओके नाउ नेक्स्ट वन इज फिल इन ब्लैंक्स अ काउ इन अ काउ कहाँ पे रहती है शेड पे अ डॉग लिव्स इन अ कैनल अ हॉर्स लिवज इन आर स्टेबल ओके नेक्स्ट वन इज गिव वन वर्ड आंसर एनिमल्स विच ईट प्लान्ट आर कॉल्ड सो एनिमल्स जो प्लांट खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं प्लांट ईटर्स एनिमल्स विच ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स मतलब एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को मारकर खाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं फ्लैश ईटर्स हैंस आर इन अ हैंस को कहाँ पे रखते हैं कूप उसके हाउस को क्या बोलते हैं कूप नेम वन एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स सो एक एनिमल का नाम लिखना है जो प्लांट भी खा सकते हैं एंड अदर एनिमल्स को भी खा सकते हैं विच वन इज बेयर अ डॉग इन अ डॉग कहाँ पर रहते हैं कैनल तो डॉग के होम को क्या बोलते हैं हम लोग कैनल ओके ना नेक्स्ट वन इज मैच दलम नेक्स्ट नेक्स्ट किसका होम है बर्ड बोरो किसका होम है रैबिट हाइव हाइव किसे कहते हैं छत्ते को तो छत्ता किसका है बी का मधुमक्खी का ही छत्ता बनता है तो देख बी कैनल कैनल किसका होम है डॉग स्टेबल स्टेबल किसका होम है हॉर्सेस ओके ना नेक्स्ट वन इज़ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन राइट द नेम्स ऑफ थ्री फ्लैश ईटिंग एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को मारकर खाते हैं ऐसे थ्री एनिमल्स के नाम आपको यहाँ लिखने हैं जैसे मैंने लिखा है लॉन्ट टाइगर एंडवल्चर आप इसे लर्न करके लिख सकते हो या फिर इसके अलावा आपको और अच्छे से कुछ पता हो वो भी लिख सकते हो राइट द नेम्स ऑफ थ्री प्लान्टटर्स ओके सो कोई भी थ्री प्लांट ईटर्स एनिमल्स आपको यहाँ पे लिखने हैं जैसे मैंने लिखा है काउब फैलो एंड जिराफ सो यू हैव टू राइट दिस ओके वेयर डल्स फिश आर कैप्ट फिश कहाँ पर हम लोग रखते हैं मोस्टली फिश कहाँ पे रहते हैं वाटर में ओशियंस में रिवर्स में येस yes. सो so, अगर हमें अपने घर में रखना हो जो हमें कैसे रखना होगा कहाँ पे रख सकते हैं एक्वेरियम सो यू हैव टू राइट Full answer, fish are kept in an aquarium. Okay, so write the names of three animals which eat grains and nuts. So, aise animals jo grains and nuts hi hain, animals hai, squirrel, pigeon and hen. What does spider make? A spider makes a web. Okay, so you have to learn lesson 9, uh, sorry, lesson, lesson 5 and lesson 6 properly. अच्छे से आपको ये याद करना है सो हम टुमारो ये दोनों चैप्टर का आपको